हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अड्डा 24/7। मैं हूं अंकित चौधरी। 12 बज चुके हैं, पॉलिटिकल सेशन हमारा शुरू हो चुका है। जो जो मेरे साथ जुड़ गया है, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। भाई जय श्री कृष्णा। जो जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा और फिर जो है सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार दोबारा से आपको इन्फॉर्म कर दूं, कल से मेंटोरशिप प्रोग्राम लाइव हो गया है, स्टार्ट हो गया है, जहां पर आपको मेंटोर्स असाइन किए जाएंगे। जो जो बच्चा हमारे फाउंडेशन बैचेस में जुड़ चुका है हमारे साथ पहले ही, आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थ्रू आउट द ईयर जब तक आपका वो बैच चल रहा है, उसकी प्रिपरेशन में आपको मेंटोर्स मिलेंगे। आप उन मेंटोर्स के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो भी आपकी स्केड्यूल करवाई जाएगी धीरे धीरे करके। जो बच्चे अलग से इसे परचेज करना चाहते हैं, आप अलग से ले सकते हैं। आप लोगों के लिए 1 मंथ लॉन्ग ये प्रोग्राम चलेगा, 1 महीने का ये प्रोग्राम होगा। जो अलग से इसे परचेज करते हैं उनके लिए बैच में एडमिशन लेना है, अगर मेंटोरशिप में एडमिशन लेना है तो आपको कूपन कोड लगाना है Y365 लगाएंगे तो ये आपको 2250 रुपये का पड़ेगा। 2200 रुपीज में आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा। 1 मंथ लॉन्ग है। जो फाउंडेशन बैचेस में, जैसे ये फाउंडेशन बैच है हमारा, मॉर्निंग फाउंडेशन बैच जो इसमें है, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अगर आप फाउंडेशन बैच में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कूपन कोड अप्लाई कर लीजिए Y365 अप्लाई कर लेंगे तो यही बैच आपको 8700 रुपीज में मिल जाएगा। डायरेक्टली आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे, डायरेक्टली मेरी गाइडेंस में आप पढ़ पाएंगे। और 16 अगस्त से इसमें मेरी ही क्लासेस शुरू हो रही है। पॉलिटी से शुरुआत किया है हमने इस बैच को, अभी तो एनसीईआरटी की कुछ क्लासेस चल रही है, तो वो एनसीईआरटी फिनिश होते ही फुल फ्लेज्ड सब्जेक्ट्स पर आ जाएंगे। और सब्जेक्ट में स्टार्ट कर रहे हैं पहले सब्जेक्ट पॉलिटी के साथ, तो 16 अगस्त से इसमें पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। और ईपीएफओ के बारे में मैं बता ही चुका हूँ, लक्ष्य 3.0 यूपीपीसीएस आरओएआरओ फॉर्म आने वाला है, ठीक है, फॉर्म आने वाला है। और ईपीएफओ एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इसकी भी वैकेंसी आने वाली है, अच्छी वैकेंसी है। अगर इनमें जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा, वॉइस बड़ी देर में बताया, वॉइस लो आ रही है, मुझे लग रहा है मैं माइक ही लगाना भूल गया जल्दबाजी में। अब आ रही है पूरी वॉइस। दोबारा से बता देता हूँ, वॉइस लो थी तो दोबारा से बता देता हूँ। मेंटोरशिप प्रोग्राम है, मेंटोरशिप प्रोग्राम कल से शुरू हो चुका है। जो एडमिशन लेना चाहता है ले सकता है। जिन्होंने फाउंडेशन बैच में ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है उनको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये रहा फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच में अभी एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही है। 16 अगस्त से मेरी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। पॉलिटी से हमने स्टार्टिंग किया इस बैच की, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक बैच चलेगा। जो जुड़ना चाहता है जुड़ सकते हैं, अभी भी सीट्स है, अभी भी बैच ओपन है आप लोगों के लिए। कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा Y365, जिससे 8700 रुपीज का मिलेगा। इसमें मेंटोरशिप मिल जाएगा, अलग से परचेज नहीं करना पड़ेगा। और हाँ, ईपीएफओ में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, उसकी वैकेंसी आने वाली है, जरूर फॉर्म भरिएगा, अच्छा करियर बैकअप है। आरओएआरओ की वैकेंसी आने वाली है यूपी में, जरूर फॉर्म भरिएगा, ये भी अच्छा करियर बैकअप है। दोनों बैच आ चुके हैं, ये बैच कल से शुरू हुआ है आरओएआरओ का, ये कल से शुरू होने वाला है 10 अगस्त से। दोनों बैचेस में एडमिशन लेने के लिए कूपन कोड Y365 अप्लाई कर लीजिएगा, सस्ते में आपको बैच मिल जाएंगे 78% डिस्काउंट पे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब तो कल हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, ठीक है, कल हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उन पे डिस्कशन शुरू कर दिया था। हमने इंडिविजुअल आर्टिकल्स जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड, जय हिंद, गुड आफ्टरनून मेरे बच्चों, जय हिंद। तो हमने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड प्रोविजंस है वो कवर करने शुरू कर दिए थे। हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो एस्टैब्लिश कर दी है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को लेकर कुछ ज्यादा बातें कही नहीं गई हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेकर जो दो मेन आर्टिकल्स है जो बात करते हैं, कौन कौन से है, 74 है और 75 है, आर्टिकल नंबर 74 एंड आर्टिकल नंबर 75। तो आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 वो मेन आर्टिकल्स है जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एस्टैब्लिशमेंट भारत में करते हैं। 74 में दिया गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद, 75 में दिया गया मंत्रिपरिषद में नियुक्ति कौन करेगा, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत काम कर रहा है, किसके प्रति उत्तरदायी है, वो सारी बातें दी गई हैं आर्टिकल 75 75 में। ये देख लिया था हमने, है ना, ये हमने देख लिया था। 74 को भी पढ़ लिया था और 75 जो है ये भी कंप्लीट कर लिया था। 74 और 75 नंबर आर्टिकल जो है ये हमने पूरा डिटेल में जाके कवर कर लिए थे। अब आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट जो चीज हमने देखी थी, हाँ, लास्ट जो बात हमने देखी थी वो ये थी कि ओथ, शपथ कौन दिलाता है। भाई अगर आपसे पूछा जाए, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या जो हमारे अन्य मंत्री हैं,
इन्हें इनकी शपथ कौन दिलाता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब होगा भारत के राष्ट्रपति। कौन हो जाएंगे? भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहे हैं। शपथ कौन दिला रहा है? राष्ट्रपति दिला रहे हैं। अन्य मंत्री जो है उनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहे हैं। उन्हें भी शपथ कौन दिला रहा है? राष्ट्रपति दिला रहे हैं। क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी मंत्री बना देते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर ही किसी को मंत्री नियुक्त करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के कहने पर ही जो अलग अलग पॉलिटिशियंस होते हैं उन्हें मिनिस्टर्स बनाया जाता है और उन्हें अलग अलग विभाग जो होते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो होती हैं, वो असाइन की जाती हैं। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हमने देख लिया था, इसके आगे आज पढ़ना है। अब शुरू करते हैं अपनी आज की पढ़ाई। देखिए आमतौर पर क्या होता है, नॉर्मली आमतौर पर क्या होता है, अगर आपको केंद्र में, सेंटर में मिनिस्टर बनना है तो आपको संसद का सदस्य होना जरूरी है। ठीक है, संसद का सदस्य होना जरूरी है। जितने भी केंद्र में हमारे मंत्री होते हैं, सरकार में जितने भी मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो सब कौन होते हैं? वो हमारी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं। लेकिन संविधान में एक छोटा सा प्रावधान किया गया है, अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं भी है, अगर कोई पॉलिटिशियन, कोई व्यक्ति जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद है, उसका मेंबर नहीं भी है, तो भी छह महीने तक उसे मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इस छह महीने के अंदर अंदर उसे संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर वो छह महीने में भी संसद का सदस्य नहीं बन पाता तो फिर वो मंत्री नहीं रह सकता। तो ये याद रखिएगा, आमतौर पर क्या है, जनरली क्या है, अगर आपको मंत्री बनना है केंद्र सरकार में तो आपको संसद का सदस्य होना आवश्यक है, आपको पार्लियामेंट का मेंबर होना जरूरी है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक छोटा सा प्रोविजन कर दिया है, वो क्या है, अगर आप मेंबर नहीं भी हैं तो भी आप मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने समय के लिए? छह महीने के लिए। इन छह महीनों के अंदर अंदर आपको संसद का सदस्य बनना पड़ेगा, चाहे आप लोकसभा के मेंबर बनिए चुनाव लड़के, चाहे आप राज्यसभा के मेंबर बनिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको संसद का सदस्य, पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर आप छह महीने में भी पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बन पाते तो फिर आप मंत्री नहीं रह सकते। बोलिए, ये बात क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, तो याद रखिएगा, नॉर्मली क्या है, संसद के सदस्य होने चाहिए अगर मिनिस्टर बनना है। लेकिन इसके बावजूद छह महीने का टाइम पीरियड दिया गया कि छह महीने तक बना सकते हैं आप, छह महीने के अंदर अंदर तो मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक हो गई बात, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद आ जाता है उनके सैलरी, उनके भत्ते, ये सब कौन डिसाइड करता है? तो जो हमारे मंत्री होते हैं इनकी तनख्वाह कितनी होगी, इनके भत्ते कितने होंगे, सैलरी अलाउंस कितने होंगे, वो डिसाइड करती है हमारी पार्लियामेंट। कौन करती है? हमारी पार्लियामेंट। अब बता दो, यहां तक सारे प्रावधान क्लियर है? यहां तक सारे प्रावधान, सारे प्रोविजंस जो हैं वो क्लियर हैं? क्योंकि अगर यहां तक सारे प्रावधान क्लियर हैं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब आ जाते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। हमने आर्टिकल 74 देख लिया, ठीक है, आर्टिकल 74 देख लिया, आर्टिकल 75 देख लिया, अब हमें देखना है आर्टिकल नंबर 77। अब कौन सा देखेंगे? आर्टिकल नंबर 77। अब एक बात और बताओ मुझे, आप स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ना शुरू किया था, जब हमने पॉलिटी शुरू की थी, आप मुझसे पूछते थे कि अंकित सर कौन आर्टिकल कैसे याद करें, कौन से आर्टिकल याद करने हैं। अब एक बात बताओ, मैंने आपसे तब भी कहा था तैयारी करते रहो, ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएंगे, आपको अलग से बैठ के रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। अब इतनी तैयारी में, पिछले 2-3 महीने में, क्या आपको पता नहीं लग गया कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और क्या आपको याद नहीं होने लग गए? भाई आपसे कोई पूछेगा आर्टिकल 74 क्या है, आप तुरंत बता देंगे, आपसे पूछेगा आर्टिकल 75 क्या, आप तुरंत बता देंगे। तो ऐसे ही क्या होता है, तैयारी में धीरे धीरे करके आर्टिकल्स कौन से इंपॉर्टेंट है हमें पता लग जाता है और वो याद भी हो जाते हैं। अलग से रट्टा नहीं मारना, ठीक है, अलग से रट्टा नहीं मारना। चलिए आर्टिकल नंबर 77 पर आ जाते हैं, अनुच्छेद 77 क्या कहता है। देखिए सबसे पहली बात तो हमने शुरुआत में पढ़ा था, एक है आर्टिकल नंबर 53, कौन सा है, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 यह कहता है कि सारी की सारी कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर, सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर की किसके अंदर निहित है, किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 77 उसी को आगे लेकर जा रहा है, जो हमने आर्टिकल 53 में बात पढ़ी ना, आर्टिकल नंबर 77 इस बात को आगे बढ़ा रहा है।
53 ने तो ये कह दिया था कि भाई सारी की सारी कार्यकारी शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। 77 क्या कह रहा है, 77 ये कह रहा है कि जितने भी कार्यकारी निर्णय लिए जाते हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं, क्या है, एग्जीक्यूटिव एक्शन, ठीक है, जितने भी कार्यकारी निर्णय लिए जा रहे हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जा रहे हैं केंद्र सरकार के, वो किसके नाम से लिए जाएंगे, वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से लिए जाएंगे। तो मतलब मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी कि औपचारिक तौर पर ऑफिशियली कागजों में सरकार किसके नाम से चलती है, कागजों में ऑफिशियली औपचारिक तौर पर सरकार किसके नाम से चलती है, वो चलती है भारत के राष्ट्रपति के नाम से। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 53 आर्टिकल नंबर 53 इसने सारी की सारी कार्यकारी शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर किसको दे दी, राष्ट्रपति को दे दी। 77 क्या कह रहा, आर्टिकल 77 क्या कह रहा, जितने भी कार्यकारी निर्णय होंगे, जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन होंगे, एग्जीक्यूटिव एक्शन होंगे, वो कौन लेगा, किसके नाम से लिए जाएंगे, भारत के राष्ट्रपति के नाम से। ये बात क्लियर है तो आगे बढ़े, बोलो ये बात क्लियर है, आगे बढ़ू, ठीक है। अब ये कैसे पता लगेगा कि कोई निर्णय जो लिया गया है, कोई डिसीजन जो लिया गया है, ये भारत के राष्ट्रपति ने ही लिया है। भाई इस बात को ऑथेंटिकेट करने के लिए, इस बात की पुष्टि के लिए कुछ नियम भी तो बनने चाहिए। ये कैसे पता लगेगा कि ये जो निर्णय आ रहा है ये राष्ट्रपति साहब ने ही लिया है या साहिबा ने लिया है, इसके लिए भी तो नियम बनने चाहिए ना। तो ये जो डिसीजंस लिए जाते हैं राष्ट्रपति के नाम से, उन निर्णयों को ऑथेंटिकेट करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए नियम बनाए जाते हैं। और ये नियम भी कौन बनाता है, ये नियम भी भारत के राष्ट्रपति बनाते हैं, यहां पर यही बात लिखी गई है, ठीक है। कोई निर्णय राष्ट्रपति ने लिया है या नहीं लिया, कोई डिसीजन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने खुद लिया है या नहीं लिया, इसको प्रमाणित करने के लिए, इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, वो भी कौन बनाता है, वो भी भारत के राष्ट्रपति बनाते हैं, प्रेसिडेंट स्वयं बनाते हैं। बात क्लियर हो गई, बोलो बात क्लियर हो गई। और एक बार इन नियमों के तहत, ये जो हमने नियम अभी समझे, इन नियम के तहत एक बार यदि यह प्रूव हो जाता है कि यह निर्णय राष्ट्रपति द्वारा ही लिया गया है, तो उस निर्णय पर कहीं भी सवाल नहीं उठाया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट तक में नहीं, ठीक है। तो कोई निर्णय राष्ट्रपति ने लिया या नहीं लिया, इस बात की पुष्टि करने के लिए नियम बनाए जाएंगे। कौन बनाएगा, राष्ट्रपति खुद बनाएंगे। एक बार पुष्टि हो गई इन नियम के अंतर्गत कि यह निर्णय जो है राष्ट्रपति ने ही लिया था, उसके बाद उस निर्णय के ऊपर सवाल नहीं उठेगा, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट तक में सवाल नहीं उठ सकता। कहां लिखी गई है बात, 77 में लिखी गई है। कहां लिखी गई है, 77 में लिखी गई है। बढ़ जाएं आगे, क्लियर है, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट। इसके साथ साथ एक प्रिंसिपल होता है, एक सिद्धांत होता है, जिसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन। देखो जब भी कभी कार्य बड़ा होता है, जब भी कभी कार्य बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसको करना मुश्किल लगता है ना, उसको करना मुश्किल लगता है। आपने देखा होगा, मैं आपको एक छोटा सा बहुत बारीक सा एग्जांपल देता हूं। जब हम छोटे होते हैं, हमें कहानी पढ़ाई जाती है, अगर आपको याद हो, मेरे दिमाग में अभी ये कहानी आई। जब हम छोटे होते हैं तो एक कहानी पढ़ते हैं हम कि एक जो है बूढ़ा आदमी था, वो मरने वाला था, उसकी स्थिति ऐसी थी कि वो कुछ दिनों में जो है मर जाता। तो वो क्या करता, उसके 5 बच्चे होते हैं, वो उन 5 बच्चों को बुलाता है, उन्हें 5 लकड़ियों का एक गट्ठल देता है और सबसे कहता है इन्हें तोड़ो, वो नहीं तोड़ पाते, ठीक है। एक एक डंडी देता है तो वो तोड़ देते हैं। तो यहां पर क्या है, जब आप विभाजित कर देते हैं, अगर इस कहानी को भी मैं इससे लिंक करूं, जब आप काम को विभाजित कर देते हैं वो आसान हो जाता है। एक लकड़ी तोड़ना आसान था, 5 लकड़ी एक साथ मिला के तोड़ना मुश्किल हो गया था, है ना। तो जब काम बड़ा होता है ना, तो वो मुश्किल लगता है। जैसे यूपीएससी की तैयारी में जब मैं आपसे कहूंगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और टेक्नोलॉजी, अब इन्वायरमेंट, इतनी सारी चीजें जब मैं कहूंगा, आपको लगेगा अरे सर कैसे होगी तैयारी। लेकिन जब मैं आपसे कहूंगा पहले पॉलिटी पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, इसे कवर कर लेंगे, जब वो पॉलिटी कवर हो जाएगी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फिर मैं कहूंगा चलो अब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जब वो ज्योग्राफी कवर हो जाएगी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो होता क्या है, इसी को कहा जाता है कार्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क। अब आप सोचो हमारी जो सरकार है, सरकार को कितने सारे काम करने हैं, सरकार को रोजगार भी देना है, भाई
बेरोजगारी की समस्या, रोजगार भी देना है सरकार को, गरीबी उन्मूलन भी करना है, पॉवर्टी एलिविएशन भी करना है सरकार को, शिक्षा भी प्रदान करनी है, द गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द सिटीजन ऑफ दिस सोसाइटी, सरकार को जो है हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करना है, ठीक है, ये सारे काम किसके है, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को डेवलपमेंट भी करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है। अगर अगर एक ही व्यक्ति के ऊपर यह सारा बोझ लाद दिया जाएगा तो क्या वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसी वजह से डिविजन ऑफ वर्क, कार्य के विभाजन के सिद्धांत पर क्या किया जाता है, सरकार को अलग अलग मंत्रालयों में विभाजित कर दिया जाता है। बोलो यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई, यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई। याद रखिएगा, सरकार के कार्यों को अलग अलग विभागों और मंत्रालयों में विभाजित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। क्यों बांट दिया जाता है, जिससे सरकार चलाना आसान हो जाए, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इजी हो जाए, सरकार चलाना मतलब ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस वो आसान हो जाए। अब ये जो सरकार को अलग अलग मंत्रालयों में विभाजित किया जाता है, ये कौन करता है, ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। सबसे पहली बात तो ये समझ लेना, और ये यूपीएससी में पूछा गया है, इस बात को अभी दिमाग में बिठा लेना, ठीक है, ये यूपीएससी में पूछा गया है एक स्टेटमेंट के तौर पर, इसे अभी दिमाग में बिठा लो। जो अलग अलग मंत्रालय बनाए जाते हैं, ये मंत्रालय कौन बनाता है, ये मंत्रालय बनाते हैं भारत के राष्ट्रपति। किसके कहने पर बनाते हैं, किसके कहने पर बनाते हैं, प्रधानमंत्री के कहने पर बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर, ठीक है, इस बात को अभी दिमाग में बिठा लीजिए। सरकार में अलग अलग मंत्रालय जो बनते हैं, विभाग जो बनते हैं, कौन बनाता है, राष्ट्रपति बनाते हैं। किसके कहने पर बनाते हैं, प्रधानमंत्री के, ठीक है। अब यह प्रावधान कहां किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रोविजन कहां दिया गया है, जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति सरकार के काम को अलग अलग मंत्रालयों में विभाजित करते हैं, वो दिया गया है 77 में। कहां दिया गया है, 77 में दिया गया है, ठीक है। सो आर्टिकल नंबर 77 इज द बेसिक आर्टिकल अंडर विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्लासिफाइज और डिवाइड्स द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इनटू वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। आर्टिकल 77 के अंतर्गत ही भारत के राष्ट्रपति सरकार के कार्यों को अलग अलग मंत्रालयों में विभाजित कर देते हैं, किसके कहने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आर्टिकल 77 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर भी देता है कि वो क्या कर सकते हैं, वो एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल बना सकते हैं, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल बनाते हैं। अलग अलग मंत्रियों को जो अलग अलग विभाग सौंपे जाते हैं, वो इन्हीं एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स के अंडर सौंपे जाते हैं। कौन बना रहा है इन्हें, राष्ट्रपति बना रहा है। बोलिए बात क्लियर हो गई, बोलो बात क्लियर हो गई। मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आलसी हैं तो लाइक करना तो चलिए कोई बात नहीं भाई, मर्जी है, देखो कोई बात नहीं, फ्री एजुकेशन मिल रही है, आ जाया करो, फ्री एजुकेशन बटोर लिया करो और चले जाया करो। टीचर्स के प्रति आपका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती नहीं है कि आओ अपना फायदा उठाओ और गायब हो जाओ। ये टीचर जो है बेचारे ये गर्मी में खड़े होकर पढ़ाएं, कैसे भी आके पढ़ाएं, इससे आपका कोई लेना देना थोड़ी है। ये टीचर हैं अपने आप देखते रहेंगे, ये अपना देख रहे हैं, हम अपना देख रहे हैं ना, तो लाइक करने में तो बड़ी मेहंदी लगी हुई है हाथों में, मेहंदी खराब हो जाएगी, ऐसे करके अंगूठा मार दिया अगर एक लाइक पे तो मेहंदी जो है वो सारी झड़ जाएगी, है ना, यही होता है। बहुत बढ़िया भाई साहब, पता है एसी चल रहा है लेकिन फिर भी ये देखो पसीना आ रहा है, सच बता रहा हूँ, फिर भी पसीना आ रहा है। हम मेहनत कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे मेहनत की सराहना तक नहीं हो रही है, वहां पे बैठे हुए हैं घर पे आराम से, ठीक है। चलो अब याद रखना, याद रखना, सरकार के सरकार को अलग अलग मंत्रालय में कौन विभाजित कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहे हैं। मंत्रियों के बीच में, मंत्रियों के बीच में ये जो अलग अलग मंत्रालय एलोकेट किए जा रहे हैं कि भाई किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, किसी को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, ये कौन बना रहा है, ये बना रहे राष्ट्रपति। हां लेकिन किसके कहने पर चल रहा है काम, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, किसके कहने पर चल रहा है काम, काम चल रहा है प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। तो हमारे यहां सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए रूल्स बने हुए हैं, जैसे मैं बता देता हूं आपको, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, ऐसे ही है एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961। तो ये किसने बनाए हुए हैं, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल किसने बनाए हैं, प्रेसिडेंट ने बनाए हैं, राष्ट्रपति ने बनाए, ठीक हो गई बात मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आ जाते हैं 78, आर्टिकल 78, अनुच्छेद 78, आर्टिकल नंबर 78।
तो हमने 74 देख लिया, 75 देख लिया, 77 देख लिया, अब देख लेते हैं 78 क्या है। 78 के बाद एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है 88। 88 के बाद हमारा काम जो है खत्म हो जाएगा। ये आर्टिकल अगर हमें आ जाएंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलो 78 पर आ जाते हैं। अब देखो 78 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 78 प्रधानमंत्री की कुछ ड्यूटीज की बात करता है विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट, ड्यूटीज विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट, मतलब भारत के प्रधानमंत्री की भारत के राष्ट्रपति के प्रति कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, कुछ ड्यूटीज बनती हैं। ये ड्यूटीज कहां बताई गई हैं? ये ड्यूटीज हमें बताई गई हैं, जिम्मेदारियां हमें बताई गई हैं अनुच्छेद 78। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये बिठाना है कि आर्टिकल नंबर 78 किस बात से डील कर रहा है। आर्टिकल नंबर 78 अनुच्छेद 78 भारत के प्रधानमंत्री की भारत के राष्ट्रपति के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो बातें कहां लिखी गई हैं? वो लिखी गई हैं 78 में, ठीक है। अब क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? देखिए यार, हमने ये देखा है कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भारत में लगी हुई है। संसदीय व्यवस्था में दो अध्यक्ष, एक है प्रधानमंत्री, एक है प्रधानमंत्री और दूसरे हैं राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। ये तो सबको याद है ना, भारत में संसदीय व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली में कितने अध्यक्ष होते हैं? दो अध्यक्ष होते हैं, एक होते हैं राज्य के अध्यक्ष, राष्ट्र के अध्यक्ष जो है हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, एक होते हैं सरकार के मुखिया जो है हमारे प्रधानमंत्री। कागजों में, अब मेरी बात गौर से सुनना और मुझे जवाब देना कमेंट बॉक्स में, और सही जवाब चाहिए, देखो गौर से सुन लो मेरी बात, सही जवाब देना। कागजों में ऑफिशियली औपचारिक तौर पर सरकार किसके नाम से चलाई जा रही है ये बता दो। कागजों में औपचारिक तौर पर ऑफिशियली सरकार किसके नाम से चलाई जा रही है ये बताओ मुझे जल्दी। राष्ट्रपति के नाम से। लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास है? रियल पावर किसके पास है? रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? वास्तविक प्रमुख किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को। भाई हम राष्ट्रपति का नाम थोड़ी सुनते हैं, हम तो प्रधानमंत्री का नाम ही सुनते हैं कि देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी साहब है, ठीक है। सरकार किसकी चल रही है? नरेंद्र मोदी की चल रही है। लेकिन कागजों में किसकी चल रही है? राष्ट्रपति की चल रही है, ठीक है, ठीक है। तो कागजों में प्रधानमंत्री। तो एक बात बताओ, निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग, ये तो प्रधानमंत्री कर लेते हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि जो भी निर्णय लिया जा रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में या कैबिनेट में, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद में जो भी निर्णय लिया जा रहा है, संसद में जो भी बिल लाए जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी समय समय पर भारत के प्रधानमंत्री किसे देते रहे? राष्ट्रपति को देते रहे। यह प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, यह प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि भाई जब औपचारिक तौर पर सरकार राष्ट्रपति के नाम से चल रही है तो फिर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो समय समय पर राष्ट्रपति को यह बताएं कि भाई कौन से बिल लेकर आ रहे हैं हम, कौन से कानून बना रहे हैं, क्या क्या डिसीजन ले रहे हैं, वो सारी बातें बताते रहेंगे, ठीक हो कोई बात, ठीक है, वो बताते रहेंगे। इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है राष्ट्रपति को खुद ऐसा लगे, प्रेसिडेंट को खुद ऐसा लगे कि नहीं यार बहुत टाइम हो गया, यह पता करना चाहिए कि सरकार में क्या हो रहा है, किन किन महत्वपूर्ण बातों पे चर्चाएं चल रही हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिल लाए जा रहे हैं। उन्हें खुद भी तो ऐसा लग सकता है ना, कभी खुद भी ऐसा लग सकता है। तो जब उन्हें खुद ऐसा लगेगा तो वो क्या करेंगे? वो प्रधानमंत्री को फोन करेंगे। तो महामहिम मुर्मू जी क्या करेंगे? वो फोन उठाएंगे, वो प्रधानमंत्री को मिलाएंगे श्री नरेंद्र मोदी साहब को और कहेंगे, मोदी जी क्या निर्णय ले रहे हो, कौन से बिल लेकर आ रहे हो, जरा वो जो भी बिल की कॉपी है, जो भी निर्णय की कॉपी है, वो लेकर जो है राष्ट्रपति भवन पधार जाओ, ठीक है। जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ये पूछेंगी तब भी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री उन्हें समय समय पर इसके बारे में बताते रहेंगे। दोनों बातें क्लियर हो गई। तो जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं सरकार में, डिसीजन मेकिंग हो रही है, जो भी बिल लाए जा रहे हैं संसद में, इन सब के बारे में समय समय पर राष्ट्रपति खुद भी जानकारी मांग सकते हैं। जब वो मांगेंगे तो प्रधानमंत्री को जानकारी देनी पड़ेगी। यहां तक सब क्लियर? आगे बढ़ रहा हूं। ये 78 चल रहा है, ये याद रखना, ये पूरा का पूरा 78 चल रहा है, आर्टिकल नंबर 78।
एक चीज और बता देना जरा मुझे कमेंट सेक्शन में, एक चीज और बता देना, क्या कभी इतना क्लियरली पॉलिटी समझ में आई थी, ईमानदारी से बता देना। देखो अगर आई थी तो भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं और कोशिश करूंगा और बेहतर पढ़ाऊं, लेकिन अगर नहीं आई थी और अब आ गई है तो जरा मुझे बता देना। अच्छा लगता है कि हाँ यार हम मेहनत कर रहे हैं, बच्चे को समझ में आ रहा है, वो बस क्या होता है ना मोटिवेशन का काम करता है, तो वो मोटिवेट कर दो मुझे, जरा बता दो। ठीक है, अब बात करते हैं एक और बात की। हमने पहले पढ़ा था भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली है, पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो प्रणाली। अभी मैंने आपको बताया था कार्य का विभाजन। ठीक है, कार्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क, मैंने अभी बताया था ना आपको डिवीजन ऑफ वर्क। कार्य का विभाजन, अभी मैंने आपको ये बात समझाई थी कि भाई सरकार को तो बहुत सारे कार्य करने होते हैं, तो क्या किया जाता है, सरकार के कार्यों को अलग अलग विभागों में, अलग अलग मंत्रालयों में विभाजित कर दिया जाता है। ये जो सरकार में अलग अलग मंत्रालय बनाए जाते हैं, इसी को कहा जाता है पोर्टफोलियो प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है, जिसे नहीं पता है अब सुन लो। ठीक है, जिसे नहीं पता है अब सुन लो मेरी बात। जो अभी मैंने आपको बताया था ना डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन समझाया था ना मैंने आपको, वो कार्य का विभाजन ही क्या है, पोर्टफोलियो प्रणाली, जहां पर हम क्या करते हैं, हम सरकार के कार्यों को अलग अलग मंत्रालयों में विभाजित कर देते हैं, हर मंत्रालय के ऊपर एक मंत्री को बिठा देते हैं और मंत्री को यह शक्ति देते हैं, मिनिस्टर को यह अथॉरिटी देते हैं, पावर देते हैं कि मिनिस्टर अपनी मिनिस्ट्री के लिए, मंत्री जी अपने मंत्रालय के लिए स्वयं निर्णय ले सके। यह होता है पोर्टफोलियो प्रणाली। अब हमने पोर्टफोलियो प्रणाली तो लगा दी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी मंत्री ने अपने मंत्रालय से संबंधित कोई निर्णय लिया हो, लेकिन राष्ट्रपति जी को यह लगता है कि भाई यह निर्णय जो है यह बहुत महत्वपूर्ण मामले पर लिया गया है और इस पर निर्णय इकलौते मंत्री को नहीं लेना चाहिए, इस पर निर्णय पूरे के पूरे मंत्री परिषद को सामूहिक रूप से लिया जाना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, मंत्री से कहेंगे कि भाई ये जो निर्णय लिया गया है, ये निर्णय केवल एक मंत्री ने लिया है, मैं ये चाहती हूं कि आप क्या कीजिए, इस मुद्दे को, इस निर्णय को मंत्री परिषद के सामने रखवाइए और मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर, कलेक्टिवली इस पर निर्णय ले। तो प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी है, ऐसे में प्रधानमंत्री की यह जिम्मेदारी बन जाएगी कि वो क्या करें, वो उस मुद्दे को, वो इस निर्णय को मंत्री परिषद के सामने रखवाएं और पूरा का पूरा मंत्री परिषद बैठकर उस पर चर्चा करे और उस पर निर्णय ले। बोलो बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो पोर्टफोलियो प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, पोर्टफोलियो प्रणाली के अंतर्गत हर मंत्रालय के ऊपर एक मंत्री बैठते हैं, मंत्री जी जवाबदेह होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने मंत्रालय के लिए, उन्हें शक्ति दी जाती है कि अपने मंत्रालय के लिए वो निर्णय ले सके, लेकिन कभी कभी राष्ट्रपति को ऐसा लग सकता है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा खड़ा हुआ है जिस पर उन्होंने निर्णय तो लिया है, लेकिन इस पर निर्णय किसी एक मंत्री को ही नहीं, पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को सामूहिक तौर पर लेना चाहिए। ऐसे में वो प्रधानमंत्री से कहेंगी, प्रधानमंत्री उस निर्णय को मंत्रिपरिषद के सामने रखेंगे और पूरा मंत्रिपरिषद, पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली उस पर डिसीजन लेगा। बोलिए बात क्लियर। चलिए, ये भी 78 का ही हिस्सा है। चलो भाई, अब हमारे मेन आर्टिकल जो है वो खत्म हो गए। हमने 74 देख लिया, हमने 75 देख लिया, हमने 78 क्या है वो देख लिया, हमने 77 क्या है वो देख लिया। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल बचा है, वो है आपका आर्टिकल नंबर 88। इसे और देख लेते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 88, आर्टिकल नंबर 88 है, इसको और देख लेते हैं। ठीक हो गई बात। ठीक है, नहीं मंदीप जी, एमपी को नहीं बोला जाता, भैया मंत्रिपरिषद एमपी को कैसे बोल देंगे, अगर एमपी को मंत्रिपरिषद बोलोगे तो फिर एमपी को क्या बोलोगे, ये बताओ। चलो आप, मंत्रिपरिषद एक छोटी बॉडी होती है, मंत्री उन्हें कहा जाता है जो सरकार में मंत्रालय होल्ड करते हैं, सारे के सारे एमपी जो है वो मंत्री नहीं बनते, गिने चुने एमपी को ही मंत्री बनाया जाता है, तो जो लोग मंत्री बनते हैं उन सबको कलेक्टिवली मिला जुला के कह दिया जाता है मंत्रिपरिषद। अभी मंत्रिपरिषद आएगा, उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। 88 पे आ जाते हैं, आर्टिकल नंबर 88। अब आर्टिकल नंबर 88 क्या कह रहा है, देखो यार, जो हमारे मंत्री हैं, ये मंत्री क्या कर रहे हैं, ये मंत्री इस देश को चला रहे हैं,
भाई मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं, मिनिस्टर्स इस देश में गवर्नमेंट को रन करते हैं। जब आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हो किसी के ऊपर कि तुम देश को चलाओ, सोच रहे हो जिम्मेदारी भारत को चलाओ तुम, तो वहां पर आपको उन्हें कुछ विशेषाधिकार भी देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे? कुछ शक्तियां और विशेषाधिकार। बोले ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? तो याद रखिएगा, जब कभी आप किसी को मंत्री बना रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है उस मंत्री को कुछ शक्तियां भी दे और कुछ विशेषाधिकार भी दे, कुछ प्रिविलेजेस भी दे। क्या दे? विशेषाधिकार, प्रिविलेजेस। ठीक है, अनुच्छेद 88 जो है, आर्टिकल नंबर 88 जो है, वो मिनिस्टर्स को जो विशेषाधिकार दिए जाते हैं उन्हीं की बात कर रहा है। ठीक हो गई बात? ठीक है, तो जो हमारे मंत्री होते हैं उनको संसद में कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं। वो विशेषाधिकार कहां पर बात की गई है? अनुच्छेद 88 में की गई है, आर्टिकल नंबर 88 में की गई है। अब देखो यहां पर बात क्या बोल रहे हैं, यहां पर बात क्या बोल रहे हैं। आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर मैं अभी नॉर्मल सर्कमस्टांसिस की बात कर रहा हूं, आमतौर पर क्या होता है, अगर आप लोकसभा के मेंबर हैं तो आप लोकसभा की कार्रवाई में ही हिस्सा ले सकते हैं, अगर आप राज्यसभा के सदस्य हैं तो आप राज्यसभा की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं। लोकसभा के मेंबर राज्यसभा में जाकर नहीं बैठेंगे, राज्यसभा के मेंबर लोकसभा में आकर नहीं बैठेंगे। ठीक हो गई बात? हां, संयुक्त बैठक होगी तो फिर सदन जो है एक साथ मिलकर बैठ सकते हैं, लेकिन आमतौर पर क्या होगा, लोकसभा के मेंबर्स केवल लोकसभा को अटेंड करेंगे, केवल वहीं पर बैठेंगे, उसी की मीटिंग्स में हिस्सा लेंगे। राज्यसभा के सदस्य केवल राज्यसभा में बैठेंगे, उसकी मीटिंग्स में हिस्सा लेंगे। कभी अगर ज्वाइंट सिटिंग हो जाती है, संयुक्त बैठक होती है, तो वो अलग बात हो जाती है। लेकिन जो हमारे मंत्री होते हैं, अब समझना इस बात को, जो हमारे मंत्री होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, इनको ये विशेषाधिकार है, इनको ये प्रिविलेज है कि ये किसी भी सदन से क्यों ना हो, ये किसी भी सदन से क्यों ना हो, ये दोनों सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं। इनसे अगर कोई सवाल पूछा गया इनके मंत्रालय के बारे में, ये उस सवाल को एड्रेस करते हुए उसका जवाब दे सकते हैं। ये संयुक्त बैठक का हिस्सा बन सकते हैं। ये कोई कमिटी बनाई जाती है, कोई समिति बनाई जाती है संसद की, उस समिति का भी हिस्सा बन सकते हैं। बोलो बात क्लियर हो गई? बोलो बात क्लियर हो गई? बोलिए बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? तो याद रखिएगा, मंत्रियों को यह विशेषाधिकार है, मिनिस्टर्स को यह राइट है कि वो दोनों सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दे सकते हैं। ज्वाइंट सिटिंग जो होती है, संयुक्त बैठक जो होती है, उस संयुक्त बैठक का हिस्सा बन सकते हैं। कोई कमेटी बनाई गई है, कोई समिति बनाई गई है, उस समिति का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन लेकिन ठीक है, लेकिन साक्षी पंडित जी अगर थोड़ा रुक जाएंगी, थोड़ा रुक जाएंगी तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। प्रॉब्लम क्या होती है ना, मैं कितनी बार भी ये बात क्लास में बोल लूं, कितनी बार भी समझा लूं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है क्लास में जो आगे भागने की सोचता है। जब तक मैंने कोई चीज एक्सप्लेन नहीं की तो आपको कैसे समझ में आ जाएगी? तो पहले मुझे पूरा एक्सप्लेन करने दो, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी बात। तो रुक तो जाया करो, पहले सवाल आ जाता है, समझाने नहीं देते, पहले सवाल पूछ लेते हो। अरे समझ लो उसके बाद सवाल पूछना। लेकिन वोट वो केवल उसी सदन में डालेंगे जिस सदन के वो सदस्य हैं। वोटिंग वो केवल और केवल उसी हाउस में कर सकते हैं जिसके वो सदस्य हैं। हो सकता है वो राज्यसभा के सदस्य हो, ठीक है, समझना इस बात को, हो सकता है वो राज्यसभा के सदस्य हो और लोकसभा में कोई बिल आया हुआ है, लोकसभा में कोई बिल आया हुआ है और वो लोकसभा की कार्रवाई का हिस्सा बने हुए, वो लोकसभा की कार्रवाई का हिस्सा बने हुए, वो लोकसभा की कार्रवाई में मौजूद हो सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उस बिल के ऊपर लोकसभा में वोटिंग नहीं कर सकते। हां, वो बिल जब राज्यसभा में आएगा, राज्यसभा में उन्हें वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा, तो वोट वो केवल कहां डालेंगे? वोट वो केवल वहीं डालेंगे जिस सदन के वो सदस्य हैं। बोलो बात क्लियर हुई? बोलो बात क्लियर हुई? अरे भैया एसजी श्याम जी, ऐसा है, सुनो मेरी बात, गौर से सुनना और ध्यान से सुनना इस बात को। एक बार बोलूंगा, अगली बार बोलने की आदत नहीं है मेरी। साक्षी कितनी क्लास करती है, क्या पढ़ती है, इससे आपका कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। पहली बात तो रही है, वो अपनी पढ़ाई कर रही है, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं,
अगर ये यही सब करने आना है ना, तो अगली बार क्लास में मत आइएगा। अगर पढ़ने के पर्पस से आना तो पढ़ने के पर्पस से बिल्कुल वेलकम है। तो अगली बार अगर किसी और पे कमेंट बाजी करते मैंने देखा तो भाई मैं करूंगा आईडी ब्लॉक। ठीक हो गई बात? ये भी क्लियरली समझ लेना, मुझे आदत नहीं है ये फालतू की बातें अपनी क्लास में बर्दाश्त करने की। मैं आता हूं मेहनत करने, पढ़ाने, बच्चे को चीजें समझाने। ठीक है, तो ये सब कहीं और चल जाएगा, कहीं और चला लीजिएगा, यहां पर आके काम मत कीजिएगा। एक बार बोलूंगा, इसके बाद समझाऊंगा नहीं, बस। चलिए भाई, 88 क्लियर हो गया, 88 क्लियर हो गया। अब जरा बारीक बारीक बातें समझ लेना, ठीक है। अब जरा बारीक बारीक बातें समझ लेना। देखो, अनुच्छेद 74 जो है ना, और अनुच्छेद 53, ये दोनों जरूरी हैं, ठीक है। अब जरा बातों को समझना, बारीक बारीक बातों को। अनुच्छेद 53 और 74 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 53 क्या कहता है? ये एग्जीक्यूटिव पावर देता है, ये कार्यकारी शक्ति देता है। मतलब सरकार के लिए, सरकार में डिसीजन कौन ले रहा है? राष्ट्रपति ले रहे हैं। 53 ने क्या कहा? ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। केंद्र सरकार की सारी कार्यकारी शक्ति किसके अंदर निहित होगी? राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी, ठीक है। लेकिन 74 क्या कह रहा है? 74 यह कह रहा है कि मंत्रिपरिषद होगा राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, मंत्रिपरिषद होगा राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेंगे, काम करेंगे। ठीक हो गई बात? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने? 1971 में यह बोला है कि लोकसभा भंग होने के बाद भी, लोकसभा भंग होने के बाद भी मंत्रिपरिषद काम करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करेगा, वो समाप्त नहीं होगा। समाप्त क्यों नहीं होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 53 को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता, अनुच्छेद 53 को आप कंबाइन करके पढ़ते हो 74 के साथ। आर्टिकल नंबर 53 शुड नॉट बी रेड अलोन, यू मस्ट कंबाइन आर्टिकल नंबर 53 विद आर्टिकल नंबर 74। और अनुच्छेद 74 क्या कहता है? वो ये कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही निर्णय लेंगे, और इसीलिए 1971 में सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई लोकसभा के भंग होने के बाद भी मंत्रिपरिषद कार्य करता रहेगा। क्यों करता रहेगा? इसलिए करता रहेगा क्योंकि संविधान यह चाहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही निर्णय निर्माण करे, और अगर मंत्रिपरिषद ही नहीं होगा तो राष्ट्रपति निर्णय निर्माण नहीं कर पाएंगे। बोलो, बात क्लियर हुई? बात क्लियर हो गई? जल्दी बताओ, बोलो, बात क्लियर हो गई? तो सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में यह बात बोल दी कि भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो 74 में दिया गया है वो मैंडेटरी है, वो बाध्यकारी है। अगर लोकसभा भंग भी हो जाए तब भी मंत्रिपरिषद को कार्य करते रहना है। क्यों करते रहना है? क्योंकि मंत्रिपरिषद की एडवाइस के बिना राष्ट्रपति कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते, और अगर वो मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कोई निर्णय लेते भी हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। बोलो, बात क्लियर? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। बोलो, बात क्लियर? जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आर्टिकल 53 को अकेले नहीं पढ़ते, किसके साथ मिलाकर पढ़ते हैं? 74 के साथ। 74 क्या कहता है? 74 कहता है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेंगे। क्लियर? और इसी वजह से, क्योंकि उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना है, मंत्रिपरिषद कंटिन्यू रहेगा। लोकसभा भंग हो गई कोई दिक्कत नहीं है, जब तक नई लोकसभा नहीं बनती, जब तक नई लोकसभा नहीं चुनी जाती और नए मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हो जाता, तब तक पुराने वाले को एज इट इज काम करना पड़ेगा। बोलो, बात पूरी क्लियर? तो बढ़ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया है, अगर मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना राष्ट्रपति कोई निर्णय ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो हो जाएगा असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। मंत्रिपरिषद से सलाह लिए बिना अगर राष्ट्रपति ने कोई निर्णय ले लिया, वो क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक, असंवैधानिक। और इसीलिए
लोकसभा भंग होने के बावजूद मंत्रिपरिषद को कार्य करना पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा? जब तक नई लोकसभा चुनकर नहीं आ जाती, नया मंत्रिपरिषद नियुक्त नहीं हो जाता। पहले पॉलिटी खत्म कर दूं केजीएफ जी, उसके बाद ज्योग्राफी। यार ज्योग्राफी का नाम मत लिया करो। देखो मैंने कई बार कहा, अगर आप ज्योग्राफी का नाम इतना लोगे ना, मैं कल से ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ज्योग्राफी तो मतलब वो कहते हैं ना, ज्योग्राफी से तो प्रेम है। ये वो पहला सब्जेक्ट है, पहला विषय जो मैंने जीवन में पढ़ाया था। और जितना बारीकी से ज्योग्राफी मैंने पढ़ा था पढ़ाने के लिए, उतना बारीकी से तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा जीवन में। तो अगर अभी आप कहोगे ना, मैं अभी रुक जाऊंगा और मैं ज्योग्राफी शुरू कर दूंगा, और शुरू कर दूंगा अल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी से, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या होता है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से मतलब क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, मैं वो शुरू हो जाऊंगा। अभी मैं बता रहा हूं, बंद कर दूंगा मैं इसे, सच बता रहा हूं। ज्योग्राफी का नाम नहीं लेगा कोई इस टाइम कक्षा में। चलो आगे बढ़ रहा हूं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात बोली है, क्या बात बोली है सुप्रीम कोर्ट ने? अरे सतीश जी कह रहे हैं सर आप अपने हिसाब से पढ़ाओ। अरे मेरे भाई, मैं अपने हिसाब से ही पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। नए हो लगता है इस शहर में, मुझे लग रहा है नए हो। मैं अपने हिसाब से ही पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। लीजिए भैया, हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये बंद कर देता हूँ, बाकी सब पढ़ा लेता हूँ। चलो ये पढ़ लो पहले। इसके साथ साथ 1974 में, 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही, ठीक है। इसके साथ साथ 1974 में एक और बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने। क्या बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने? कहा संविधान में जहां जहां यह बात लिखी गई है, सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की संतुष्टि, संविधान में जहां जहां यह बात लिखी गई है, राष्ट्रपति की संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इसका मतलब राष्ट्रपति की अपनी संतुष्टि से नहीं है, इसका मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद की संतुष्टि से। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट यह भी कह चुका है कि संविधान में जहां जहां यह लिखा हुआ है, सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यह प्रेसिडेंट का इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन नहीं है, यह क्या है, यह पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, उसके सेटिस्फैक्शन की बात हो रही है, उसकी संतुष्टि की बात हो रही है। क्लियर हो गई बात? बढ़े आगे। अच्छा, किसी ने यह पूछा, वैसे तो मुझे इस बात पे चर्चा करनी थी, लेकिन अच्छा हुआ किसी ने पहले ही पूछ लिया। चलिए भैया, चर्चा तो करनी थी लेकिन आपने पहले पूछ लिया, अब मैं बता देता हूं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, अविश्वास मत, ऐसा भी हो सकता है भाई, हमने पढ़ा है ना, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। जरा ये बता दो, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कहां दिया गया? अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसके बारे में कहां दिया गया है, बता सकते हो क्या? अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसके बारे में कहां दिया गया है, आप क्या मुझे बता सकते हैं? बहुत बढ़िया श्याम जी, पहली क्लास है तो भाई देखो फिर मैं बता, जिस जिसकी पहली क्लास है, वेलकम टू द क्लास, आप सभी का इस्तकबाल है मेरी कक्षा में। लेकिन बस इतना ध्यान रखिए, पढ़ने के पर्पज से आओ यार, चीजें समझने के पर्पज से आओ, ये नहीं कि किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, अपने पे फोकस करो, चीजों को याद रखो, चीजों को समझो, तो है मजा। बताओ भाई कहां दिया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन? अविश्वास प्रस्ताव कहां दिया गया है, जल्दी बताओ यार, ऐसे नहीं चलेगा काम। अविश्वास प्रस्ताव मैंने बताया था आपको, देखो रूल नंबर 198 ऑफ लोकसभा, कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल, लोकसभा की कार्यवाही को चलाने के लिए नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों में रूल नंबर 198 है जिसमें अविश्वास प्रस्ताव की बात की गई है। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है वो संविधान में आर्टिकल नंबर 75 इसका सब पार्ट 3, अनुच्छेद 75 के सब पार्ट 3
इसके अंतर्गत ही लाया जाता है, लेकिन संविधान में इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। इसके बारे में लिखा कहां गया है? लिखा गया है रूल नंबर 198 ऑफ लोकसभा, याद रखिएगा। हालांकि लोकसभा में इसे जो लाया जाता है वो क्यों लाया जाता है? वो इसीलिए लाया जाता है क्योंकि अनुच्छेद 75(3) ये कहता है कि पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह है? वो जवाबदेह है आपकी लोकसभा के प्रति। लेकिन इसके बारे में मेंशन कहां किया गया है? नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव लिखा कहां गया है? वो लिखा गया है रूल नंबर 198 में, लोकसभा के नियम। ठीक है, अब अगर किसी सरकार के प्रति, अगर किसी सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, ऐसी सरकार गिर गई, लेकिन क्या सरकार गिरने के बाद नई सरकार बनाने की कार्रवाई नहीं होती? क्या कोई सरकार जब गिर जाती है उसके बाद राष्ट्रपति नई सरकार नहीं बनवाते? तो नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं आएगा। दूसरी बात, जब तक नई सरकार नहीं बन जाती, ये जो पुराना वाला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, ये केयर टेकर गवर्नमेंट की तरह काम करेगा और ये राष्ट्रपति को सलाह देगा। ये राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो इस सलाह को माने या ना माने, क्योंकि हमने पहले ही बात पढ़ ली थी कि कोई ऐसा मंत्रिपरिषद जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी नहीं है उसकी सलाह, यह तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। तो हमने जो पढ़ा वो तो आम प्रावधान थे, हमने जो अभी तक पढ़े वो तो जनरल प्रोविजन थे। अगर यह बात भी आपको मुझसे पूछनी पड़ी तो मुझे यह बताओ कि फिर आपने अपने आप क्या डिडक्ट किया? मैं तो यह चाहता हूं कि यह चीजें तो आपको खुद समझ लेनी चाहिए थी कि हां यार, अगर मंत्रिपरिषद गिर भी जाता है तो पुराना वाला मंत्रिपरिषद कंटिन्यू कर लेगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर उसकी एडवाइस बाध्यकारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऐसा मंत्रिपरिषद जिसकी जो है सरकार गिर गई है, वो सरकार चल, मतलब मंत्रिपरिषद तो चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 74 में रिक्वायर है ये, लेकिन जिसके खिलाफ पारित हो जाता है अविश्वास प्रस्ताव, फिर उसकी सलाह माननी या नहीं माननी है राष्ट्रपति खुद डिसाइड करते हैं। बोलिए भाई, क्लियर हो गई बात? बोलो, बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलो अब आ जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर, मंत्रियों की जिम्मेदारी। अब देखो यार, जिम्मेदारियां ना तीन प्रकार की होती हैं। मंत्रियों की जिम्मेदारी, ठीक है, देखो, अरे सॉरी वॉरी की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं आप अपना दिमाग थोड़ा अप्लाई करना शुरू करो यार। देखो, आप मुझसे कुछ भी पूछोगे मैं बता दूंगा, अल्टीमेटली मैं बता दूंगा, क्योंकि मुझे चल बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन जब तक आप खुद नहीं अप्लाई करोगे ना चीजों को, तब तक मुश्किलात क्या होगी ना, आप अप्लाई करना सीखोगे नहीं। एक बात बताओ, मैंने बीच में एक दिन आपको क्वेश्चंस कराए थे, अभी कराए थे ना संडे को, याद है आपको? जब क्वेश्चंस कराए थे मैंने आपको, लॉजिक अप्लाई नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि अभी तक सिर्फ आप पढ़ रहे हो चीजों को, आप यहां पर अप्लाई नहीं कर रहे लॉजिक्स को। जब भी दिमाग में कोई सवाल आए, थोड़ा अप्लाई करो कि यार हमने ये चीज पढ़ी, हमने ये चीज पढ़ी, दोनों को जोड़ने की कोशिश करो, जवाब मिलते हैं। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं इस तैयारी में, ये याद रखना। तो अप्लाई करना भी सीखना पड़ेगा, तभी तो क्लियर होगा ना एग्जाम। चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं, जिम्मेदारियों की बात कर लेते हैं। देखिए, जो मंत्री होते हैं, हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, इनकी जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है। जो मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, इनकी जिम्मेदारियां होती हैं। एक तो होती है सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक जिम्मेदारी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो आपको पता ही है, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। जो हमारे मंत्री होते हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्रियों की, मिनिस्टर्स की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। एक होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व। पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद, आर्टिकल 75 क्या कहता है, 75(3), पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति जवाबदेह है? लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। कहां दिया गया? 75(3) में दिया गया है। इसी 75(3) की वजह से तो अविश्वास प्रस्ताव आया था। नो कॉन्फिडेंस मोशन किसकी वजह से आया था? इसी की वजह से तो आया था, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव इसी की वजह से आया था। और 75(3), मैंने पहले भी कई बार इस क्लास में आपको ये बात समझाई है, 75(3) फाउंडेशन मानी जाती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की, फाउंडेशन।
ये एक बहुत बड़ा कारण था जिस वजह से भारत में हमारी संविधान सभा ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया. क्यों? क्योंकि सरकार जवाबदेह होती है, उत्तरदायी होती है. कहां दिया गया? 75(3) में दिया गया है. ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? बताओ जल्दी, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? तो इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ जो भी निर्णय मंत्रिपरिषद में लिया जाएगा, सारे के सारे मंत्रियों को उस निर्णय के साथ खड़ा होना पड़ेगा. अगर कोई मंत्री उस निर्णय के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, तो कल मैंने आपको एक बात बताई थी, इस्तीफा दो और चले जाओ. जो भी निर्णय मंत्रिपरिषद में लिया जाएगा, सारे के सारे मंत्रियों को, पूरे मंत्रिपरिषद को, उस निर्णय के साथ खड़े रहना पड़ेगा. अगर कोई तैयार नहीं है खड़े रहने के लिए, इस्तीफा दीजिए और चले जाइए. अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या हो सकता है? इस्तीफा नहीं देंगे तो प्रधानमंत्री कहेंगे राष्ट्रपति से कि भैया इन्हें, नहीं भैया नहीं, अब तो दीदी हैं, कि महामहिम है दीदी, तो महामहिम इन्हें इनके पद से हटा दिया जाए, इनका मंत्रालय छीन लिया जाए. ठीक है, यही है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी. जो भी निर्णय लिया जाएगा, सबको उस निर्णय को डिफेंड करना पड़ेगा. अगर कोई मंत्री उस निर्णय के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, तो फिर छोड़ के चले जाओ. अगर छोड़ के नहीं जाओगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहेंगे, वो भगा देंगे. ठीक हो गई बात? ठीक है, हो गई क्लियर बात? और इसी वजह से क्योंकि सामूहिक तौर पर पूरा मंत्रालय, पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा में उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है. फिर होती है आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक हो गई बात? फिर आ जाती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखिए एक तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामूहिक, उत्तरदायित्व. लेकिन हमने यह भी पढ़ा है आर्टिकल नंबर 75 में, अनुच्छेद 75 में, कि भैया मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं. यह प्रसाद पर्यंत जो होता है, यह प्रसाद पर्यंत जो है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो है, इसका मतलब क्या है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब यह हो गया कि वो इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पे, एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के तौर पर किसको जवाब देंगे? राष्ट्रपति के प्रति जवाब दें. राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें उनके पद से हटा भी सकते हैं. आमतौर पर राष्ट्रपति हटाते नहीं है, वो प्रधानमंत्री के कहने से ही हटाएंगे. लेकिन आर्टिकल नंबर 75 में ये बात तो दे दी कि भाई मंत्री जो हैं, दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद को धारण करते हैं. जब ये बात आपने लिख दी, तो इसका मतलब ये है कि वो इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी हो गए? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हो गए. राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें हटा सकते हैं, हटाते नहीं है. किसके कहने पर हटाएंगे? प्रधानमंत्री के कहने पर ही हटाएंगे. ये बात क्लियर हो गई? बोलो, ये बात क्लियर हो गई? बताओ, ये बात क्लियर हो गई? इसके बाद लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी रह गया. चैनल पर जाकर चेक कीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है. चैनल पर जाकर एक बार चेक कीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है. प्लेलिस्ट अपडेट भी हो गई है. आप चैनल पर जाकर चेक कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी. ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो, इसके आगे जो है, फिर ये नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा. यार थोड़ा सा बच गया, ये नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा. जो भी बचा कुचा रह गया है, नेक्स्ट क्लास पे छोड़ते हैं, क्योंकि कक्षा का टाइम हो गया, फिर नेक्स्ट कक्षा का टाइम हो रहा है, इसलिए जाना पड़ेगा. जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, लाइक नहीं किया तो 150 लाइक जल्दी जल्दी कर दो. 150 लाइक्स तो हो जाने चाहिए थे अभी तक. मतलब लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी जो है, तीव्र गति से जो है, लाइक कर दीजिएगा. और हाँ, जो हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम है, मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो गया. मैं फिर बता रहा हूँ, कल से 8 अगस्त से स्टार्ट हुआ है. आईएएस ऑफिसर के सेशन से स्टार्ट हुआ है. जूम पर आईएएस ऑफिसर के साथ बच्चों को जोड़ा गया था, उनसे उनकी मीटिंग जो है वो कराई गई थी. जो जो बच्चा जुड़ना चाहता है मेंटोरशिप प्रोग्राम में अलग से, तो आप जुड़ सकते हैं. जुड़ने के लिए
आप कूपन कोड अप्लाई कर लीजिए Y365 Y365 और यहां पर हमसे जुड़ जाइए। ₹2250 का पूरा प्रोग्राम है। यहां पर आपको 1-to-1 सेशंस मिलेंगे, जूम पे भी सेशंस मिलेंगे, इसके साथ साथ पर्सनल फोन कॉल्स भी होंगी। हमारे मेंटर्स आपको टाइम टू टाइम कॉल करते रहेंगे, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, तैयारी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी सारी बातें हैं उन पर चर्चा होती रहेगी। ठीक है, तो यहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हाँ, जो बच्चे फाउंडेशन बैच में जुड़ गए, ये जो आपको दिख रहा है ये फाउंडेशन बैच है, ठीक है, ये जो है ये फाउंडेशन बैच है, मॉर्निंग फाउंडेशन बैच है। 7 बजे से 9 बजे तक इसमें क्लास चलती है और 16 अगस्त से पॉलिटी सब्जेक्ट के साथ इसमें फुल फ्लेज्ड तैयारी शुरू हो जाएगी। अभी जो हम कर रहे हैं, अभी हम इसमें पहले एनसीईआरटी कवर करा रहे हैं धीरे धीरे करके, तो अभी एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं, दो तीन क्लासेस एनसीईआरटी की शेड्यूल्ड है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 16 से पॉलिटी फुल फ्लेज्ड शुरू हो जाएगा, तो फिर इसमें पूरी पॉलिटी की क्लासेस 1 महीने तक। तो जो हमसे जुड़ना चाहता है, ये फाउंडेशन बैच है, यहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। 3 अगस्त से शुरू हुआ है तो ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 3 अगस्त से ही शुरू हुआ है। इसमें भी एडमिशन लेना, Y365 लगा लेना, Y365 लगाओगे तो ये बैच 8700 का आपको मिल जाएगा, ₹8700 जो है उतने का पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप महापैक ले लेते हो तो यार देखो, जो महापैक ले लेता है उसे तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, उसे फाउंडेशन बैच जितने भी चल रहे हैं, हमारे 3 फाउंडेशन बैच आए थे, तीनों मिल जाएंगे इसमें, तो सारे फाउंडेशन बैच भी मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो अभी मैंने आपको मेंटोरशिप दिखाया वो भी मिल जाएगा, इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, मेंस का आंसर राइटिंग या एसे राइटिंग का इनिशिएटिव आता है, बैच आता है, वो भी आपको मिल जाएगा, आपको अलग से नहीं लेना। ठीक है, 2 साल तक जो भी नया बैच आएगा वो इसमें जुड़ता रहेगा आपके महापैक में। ठीक है, इसमें एडमिशन लेना है, Y365 लगाओगे तो ये बैच जाएगा लगभग 14,200 का, 14,200 का, क्योंकि आप लेंगे इसे अड्डा की ऐप से, क्योंकि जब अड्डा की ऐप से लेते हैं तभी हमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। मेरे कूपन कोड पे 77 1% अड्डा की ऐप दे देती है फ्री। इसके साथ साथ EPFO APFC असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इसकी वैकेंसी आने वाली है अगस्त में, नहीं तो सितंबर में आपको देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग सैलरी ही 85,000 से ज्यादा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक बहुत अच्छा करियर बैकअप ऑप्शन है ये आप लोगों के लिए। आप इसकी तैयारी में भी लग जाइएगा, इसका पेपर भी जरूर दीजिएगा अगर आप इसका बैच ज्वाइन करना चाहते हैं। बैच आ गया, 10 से शुरू हो रहा है, 10th ऑफ अगस्त, आप इसमें भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आरओ की वैकेंसी आने वाली है यूपी में, आरओ की जो वैकेंसी है इसका भी फॉर्म आने वाला है, इसमें भी एडमिशन लेना है, तो आप कूपन कोड लगाएंगे तो लगभग ₹2200-2300 का ये बैच आपको पड़ जाएगा। आरओ लक्ष्य 3.0 है, कल से शुरू हुआ है 8 अगस्त से। ठीक है, एक बार मैं आपको सब बैचेस की डिटेल्स, एक बार रुकना, मैं आपको सब बैचेस की डिटेल्स जो है वेबसाइट पे दिखा देता हूं। देखो आपको करना क्या, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाना है। आपको अड्डा की वेबसाइट पर जाना है, ठीक है, अड्डा की वेबसाइट पर आप जब आप जाओगे, यहां पर देखो ऑप्शन आता ऑल कोर्सेज का, ऑल कोर्सेज पे जाओ, ऑल कोर्सेज में यूपीएससी में जाओ, यूपीएससी में यहां पर सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, यहां पर स्टेट पीसीएस के। जब आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम वाले सेक्शन में जाओगे तो ये बैचेस आपको दिख जाएंगे। ठीक है, ये हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम है, ये हमारे फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच 2 साल के लिए मिल जाएगा आपको, डबल वैलिडिटी इस पे आज तक चल रही है तो ये मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको स्टेट सिविल सर्विसेज के बैच लेने हैं तो यहां पर स्टेट पीएससी में चले जाइए, स्टेट पीएससी में चले जाएंगे तो देखिए आ गए। और हाँ, हमारे स्टेट सिविल सर्विसेज के नए बैचेस आ गए हैं, बैच आपके 16 अगस्त से शुरू होने वाले हैं, 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से जो है ये शुरू होने वाले हैं। लक्ष्य बैच जो है हिमाचल प्रदेश के लिए है, अटल बैच उत्तराखंड के लिए है, अभिमान जो है वो हरियाणा के लिए है 16 अगस्त से। तो आज से सारे नए बैचेस जो है वो आपको दिखने लग जाएंगे, आप इनमें भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपसे कहा था लक्ष्य 3.0, ये लक्ष्य 3.0 जो है ये है आरओ का बैच, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए करना क्या होता है मैं वो समझा देता हूँ, ये काम आपको सभी क्लासेस में आप कर सकते हैं। यहां पर जाइएगा, देखो यहां पर सारी डिटेल्स होती हैं बैचेस की, कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, क्या डेमो लेक्चर्स है, वो सब यहां पर मिल जाता है। इसके साथ साथ यहां बाय नाउ का ऑप्शन आता है, बाय नाउ पर जब आप जाएंगे क्लिक करेंगे तो ऐसा एक पेज ओपन अप हो जाएगा, यहां नीचे वो कूपन कोड मांगेगा, कूपन कोड में आपको मेरा कूपन कोड टाइप कर देना Y365 Y365। जब आप मेरा कूपन कोड टाइप कर दोगे Y365, देखो मैंने आपसे कहा था लक्ष्य का बैच इतने का ही पड़ेगा तो ₹2200 के आसपास पड़ जाता है। ठीक है, 10,000 का नहीं है, 2200-2300 के आसपास पड़ रहा है, लेकिन और सस्ता मिलेगा। सस्ता कैसे मिलेगा, अड्डा की ऐप से ले लीजिएगा, जब अड्डा की ऐप से लेंगे आप तो ये बैच आपको लगभग ₹2100 के आसपास पड़ जाएगा, ₹2100 के आसपास पड़ जाएगा कूपन कोड लगाने के बाद। और वहां फ्री कूपन कॉइन्स होते हैं, उन फ्री कूपन कॉइन्स को अप्लाई करके, ठीक है।
ठीक है भाई, चलिए। और हाँ, एक बार जो है मैं आपको जाने से पहले यूपीएससी वाला बैच भी दिखा दूं, क्योंकि हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये रहा यूपीएससी का बैच, फाउंडेशन बैच, ठीक है। ये रहा फाउंडेशन बैच, ये रही सारी डिटेल्स, ये रही सारी डिटेल्स इसकी। डेमो लेक्चर्स भी, और डेमो लेक्चर यार अभी भी मेरे से पढ़ने के बाद भी अगर आप मेरा डेमो लेक्चर देखोगे ना, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पर डेमो लेक्चर्स आप देख सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, बाय नाउ पर जाना है। बाय नाउ पर जाने के बाद यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करना है। कूपन कोड में टाइप कर दीजिएगा Y365 Y365। जब आप Y365 टाइप कर देंगे तो एक तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा क्या हो जाएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, मुझे क्रेडिट मिल जाएगा बस, ठीक है। तो देखो ये 40,000 का, 40 का नहीं पड़ेगा, कितने का हो गया, 9200 का हो गया। 9200 से सस्ता मिलेगा, 8700 रुपीज़ का मिलेगा। 87 का कब मिलेगा, जब अड्डा की ऐप से लोगे और कूपन कोड लगाओगे Y365। देखो भाई, जो भी बैच लेना हो यार, कूपन कोड अप्लाई कर दिया करो Y365, आपको 78% तक का डिस्काउंट मिल जाता है और मुझे क्रेडिट मिल जाता है कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चे आपसे पढ़ना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। 4 बजे मुलाकात करता हूँ आंसर राइटिंग की क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।